900 फैला, फिर 880 भी पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रक्चरली बहुत वीक है सीएट, ज्यादा ही वीक है अपोलो के हिसाब से। ओके तो सीएट और अपोलो दोनों अब डेलो पर ट्रेड कर रहे हैं इस खबर के बाद। 924 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं सीएट में, और 186 पर अपोलो टायर्स कारोबार कर रहा है। लेकिन जैसे कि हमने मिड कैप स्टॉक्स का जिक्र किया और हमने देखा टाटा कॉफी के स्टॉक में 10% का उछाल है। दरअसल जो नजर है वो आज पूरे ही टाटा ग्रुप पर टिकी हुई है, क्योंकि टाटा ग्रुप की जो दो बड़ी कंपनियां हैं उनके मर्जर की खबर का असर है। टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी का मर्जर होगा, क्या डिटेल्स हैं ये बताने के लिए हर्षदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए हर्षदा, टाटा कंज्यूमर ने आज दरअसल एक बड़े बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन का ऐलान किया, और आप ये जरूर समझेगा कि अब टाटा कंज्यूमर में अलग कॉफी का केक आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी का दरअसल विलय हो रहा है। इस विलय में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले, जो टाटा कॉफी का ब्रांडेड और एक्सट्रैक्शंस का कारोबार था वो एग्जिस्टिंग टाटा कंज्यूमर में जोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ, टाटा कॉफी का जो प्लांटेशन बिजनेस है इसके लिए एक अलग से सब्सिडरी खड़ी की जाएगी। अब बात समझने वाली ये है कि टाटा कॉफी में दरअसल टीसीपीएल यानी कि टाटा कंज्यूमर का 58% हिस्सा है, इसीलिए दरअसल ये विलय होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास बात इस मर्जर की ये है कि टाटा कॉफी के शेयर होल्डर्स के पक्ष में दरअसल ये मर्जर है। टाटा कॉफी के अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो उसके सामने आपको इस मर्जर के बाद दरअसल टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर मिलेंगे, इसीलिए ये रेशियो टाटा कॉफी के कंज्यूमर्स या फिर शेयर धारकों के पक्ष में दिखाई दिया है। लेकिन बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन बिजनेस जो आगे चलकर एक अलग सब्सिडरी का हिस्सा बनेगा, 376 करोड़ की कमाई टाटा कॉफी की वहीं से आती है। दूसरी तरफ इनकी ब्रांडेड कॉफी का जो बिजनेस है 361 करोड़ का रेवेन्यू कमांड करता है। अब देखिए टाटा कंज्यूमर का ओवरऑल ब्रांड्स के लिहाज से माहौल कैसा है। टाटा सॉल्ट इस कारोबार से पहले से जुड़ा हुआ है, फिर 8 o'clock आता है टाटा टी, टेटली और हिमालयन जैसे वाटर प्रोडक्ट्स भी इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में है। स्टारबक्स भी टाटा कंज्यूमर के ही हिस्सा है, और साथ ही साथ हम सब जानते हैं संपन्न का पोर्टफोलियो भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप देखिए टाटा कंज्यूमर की पहुंच कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही है। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों तक दरअसल टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, और लार्जली सालाना जो आय है करीब 11,160 करोड़ की है। लेकिन मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि यह बस शुरुआत है। इस बड़े रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कंपनी दरअसल फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कई सारी सिनर्जीज होंगी दोनों टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी की, जो साथ में देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात यही है कि अब दोनों ब्रांड्स साथ में मिलकर एक छतरी के नीचे हाई रेवेन्यू बिजनेस को दरअसल चेज करेंगे। तो मर्जर की तमाम डिटेल्स आपको हर्षदा ने समझाई, और क्या मायने हैं इस मर्जर के इन्वेस्टर्स के लिए उसके बारे में भी बातचीत की। स्टॉक स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है ट्रेड, गाबा साहब से एक कमेंट जरूर ले लेते हैं। टाटा कंज्यूमर और साथ ही टाटा कॉफी दोनों पर 3% के आसपास के बाद टाटा कंज्यूमर में है, और ऑलमोस्ट 11% टाटा कॉफी में है। बताइए गाबा साहब, दोनों पर आपके व्यू। टाटा कंज्यूमर में बहुत अच्छी तेजी सुबह थी, लेकिन अब अपर जन थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया शायद इसलिए बिकॉज ऑफ 31st, तो मेरे ख्याल से लेकिन ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन आज ट्रेड नहीं बनता। मीडियम टर्म के हिसाब से ट्रेंड डेफिनेटली ऊपर है और 800 का जोन भी देखेंगे। रही बात टाटा कॉफी की, वेल टाटा कॉफी का चार्ट निकाल लेता हूं। यहां पर भी एक गैप अप खुला, यहां खरीदने का दिन आज तो नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा डिप आने दीजिए, 205 भी अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हाँ, टाटा कॉफी पॉजिटिव है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में इस वक्त नहीं है। 11% ऊपर आ चुका है, तो इन स्तरों से कोई नई खरीदारी ना करें, खरीदारी की हुई है तो होल्ड जरूर कर सकते हैं। तो ये व्यू है टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर पर। टाटा कंज्यूमर पोजिशन पर्सपेक्टिव से जरूर बेहतर दिख रहा है, 800 की ओर बढ़ता हुआ गाबा साथ दिख रहे हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।